अस्सलाम वालेकुम बॉयज, वेलकम बैक टू चैनल। सो आ चुका है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, मतलब कते जहर वीडियो के साथ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एक डॉलर दे दिए गए, जो कि येलो ट्रक में एक ट्रक है, मतलब येलो कलर में एक ट्रक है। तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है 3-2-1 लेट्स गो भी हो चुका है। यहाँ पर हम इस फुटबॉल को देंगे धक्का बॉयज। अब यहाँ पर तो ब्लास्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी नहीं पटी। और यहाँ पर आप एक बार रैंप देखो भाई साहब, काफ़ी खतरनाक रैंप यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर फिलहाल तो यार आप देख सकते हैं कि गाड़ी हमारे कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अनकंट्रोल भी हो चुकी है यहाँ पर हमारी गाड़ी। लेकिन स्टिल आपका भाई यहाँ पर कंट्रोल कर पा रहे हो भाई साहब। यहाँ पर एक गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं इसके गिरने नहीं दूंगा। यहाँ पर ये ब्लास्ट भी हो गई भाई साहब, मैंने कहा गिरने नहीं दूंगा, वहाँ पर तो वो ब्लास्ट ही हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। आपका भाई फिर से रिस्पॉन्ड करके आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से एक गिर चुकी है भाई। यार ये क्या ट्रक है, लेकिन आपके भाई ने वही से शुरू किया जहाँ से एक गिरा था। मैंने कहा चलो ऑडियंस को बोर नहीं करता, जल्दी से वही से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से गिरा था भाई साहब। यार इस ट्रक की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस यहाँ पर ये कर पा रहा है। और यहाँ पर ये फिर से गिर चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाई ने फिर से मतलब वही से स्टार्ट किया जहाँ से ये गिरा था। मैंने कहा चलो ऑडियंस को फिर से बोर नहीं करता, यार अगर बार बार गिरेगा, बार बार मैं आपको दिखाऊंगा तो आप लोग तो बोर हो जाओगे भाई साहब। एक एक सीन देख के तो आप लोग बोर भी हो जाते हो यार। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल यार डैमेज ट्रक को हो गया था, लेकिन यहाँ पर आपके भाई ने कंट्रोल कर लिया था, फिर से गिर गया था। यार ये क्या सीन हो रहा था मेरे साथ। काफ़ी ज़्यादा तंग करने के बाद ये ट्रक यहाँ पर फाइनली पहुँच चुका है, और यहाँ पर हमें चेक पॉइंट भी दिख चुका है। तो यहाँ से मिलेगा मुझे बूस्ट, और मिल चुका है बूस्ट। यहाँ पर मुझे बना दिया गया है एक जेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि एक गाड़ी को हमने पार कर लिया। यहाँ पर मुझे मिलेगा एक बूस्ट, तो बूस्ट लेंगे यार आप सीधे जाएंगे ऊपर, और दूसरी गाड़ी देखेंगे कौन सी गाड़ी हमें देखने को मिलती है। एक बार आप भाई साहब रैंप देखो यार, ऊपर से रैंप तो इस तरह लग रहा है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रैंप यहाँ पर ये होने वाला है, आप देख सकते हैं। तो यार हम देखेंगे कि हमारी और गाड़ियाँ यहाँ पर कैसे परफॉर्म कर पाती है और कैसे यहाँ पर चल पाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सा कार यहाँ पर बना दिया जाता है, और कौन सा यहाँ पर हमारा कार टेस्ट कर पाएगा कि नहीं, मतलब पास कर पाएगा कि नहीं। यहाँ पर मुझे एक ओल्ड विंटेज कार बना दी गई, यहाँ पर आपके भाई ने जंप कर लिया, और फाइनली इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब जंप ले ली एक बार, तो दूसरी बार भी इसने अच्छा जंप ले ली, लेकिन फाइनली यहाँ पर ये अच्छा कंट्रोल कर पा रही है। लेकिन यहाँ पर अनकंट्रोल होती हुई गाड़ी यहाँ पर जा रही है, प्लीज़ मत गिर मत गिर यार, अगर ये गिर जाते तो काफ़ी ज़्यादा मसला होने वाला है, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा बार वो पिछली गाड़ी भी गिर चुकी थी, तो इसलिए यार ये ना गिरे तो अच्छी बात है। बाकी इसकी एक लाइट तो टूट गई यार, लेकिन कोई बात नहीं, एक लाइट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी डैमेज की अगर बात की जाए तो डैमेज भी ये काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर इस रैंप तो डैमेज आता है भाई साहब। नहीं यार बिल्कुल एंड पे मैं गिरा भाई साहब, आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा एंड पे मैं नीचे ही गिर गया भाई साहब। आप लोगों ने खुद देखा कि आपका भाई नीचे पहुंच गया था, लेकिन एंड पे आपका भाई ने आपके भाई की गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और वहां से मैं गिर गया भाई साहब। थोड़ा ही रैंप बाकी था, मतलब हम चेक पॉइंट के काफ़ी ज़्यादा करीब थे, लेकिन मैं गिर गया यार। लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाई फिर से यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, आपका भाई इस तरह की गेम प्ले लाता रहता है यार। बाकी मुझे कमेंट में बता दिया करो कि भाई साहब इस तरह की गेम प्ले बनाओ, मतलब जो जो आप मुझे रिकमेंड करोगे मैं उस तरह की गेम प्ले बनाऊंगा। बाकी यार अगर आप लोग मेरे साथ प्ले करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जाके वो ज्वाइन करो और आप लोग मेरे साथ प्ले कर सकते हो, मतलब मुझे मेरा क्रू ज्वाइन करो GTA 5 का, तो उधर हम सारे करेंगे। जो मतलब प्ले करना चाहते हैं वही मतलब क्रू को ज्वाइन करो, जो कार को रेस प्ले करना चाहते हो वही क्रू को ज्वाइन करो, मतलब और कोई मत ज्वाइन करो, क्योंकि और ज्वाइन करेंगे तो फिर वो पार्क और रेस नहीं करेंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा भाई साहब, क्रू भर जाएगा और वो लोग पार्क और नहीं करेंगे। तो मुझे इस तरह बनने चाहिए जो कि पार्क और रेस करते हो। बाकी यार यहाँ पर मुझे प्लेन भी अनकंट्रोल हो जाता है, लेकिन यार मैं यहाँ पर कंट्रोल फाइनली कर देता हूँ। यहाँ पर क्या मुझे चेक पॉइंट मिल पाएगा कि नहीं, यार यहाँ पर मुझे चेक पॉइंट ही नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर आपके मैंने चेक पॉइंट ले लिया था। यहाँ पर अब मेरे पास आ चुकी है ODI-8, जो कि येलो कलर में हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर इस रैंप पे ये टेस्ट करेंगे कि ये कैसे कर पाएगी कि नहीं। बाकी और आप देख सकते हैं फिलहाल तक तो ये अच्छी परफॉर्म कर पा रही है, मुझे लगता है ये इजीली एक बार में कर देगी। आपको क्या लगता है कमेंट में बता सकते हो, मुझे लगता है ये इजीली एक बार में प्ले कर देगी, मतलब ये रैंप कर देगी। लेकिन यहाँ पर ये उल्टी हो चुकी है, और उल्टा मतलब फुल लीड कर पा रही है यहाँ पर,
लेकिन अब केबाई ने इसको सीधा कर लिया और फाइनली यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने में, नहीं यार भाई साहब अगर मैं थोड़ा सा मतलब रोक देता ना गाड़ी तो ये मतलब नीचे गिर जाती, अगर थोड़ा सा भी स्लो जंप होता ना तो वो नीचे गिर जाती। यहाँ से मैं थोड़ा फुल टोटल देता हूँ क्योंकि पिछली बार में मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब कम बच गया था। तो यहाँ पर फाइनली इसने तो मेरे ख्याल से करके दिखाया भाई साहब, इसने करके दिखाया, फर्स्ट टाइम में इस गाड़ी ने यहाँ पर करके दिखाया ODI-8 ने। तो यार इसके लिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ठोक दो भाई साहब, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करो। तो यार मैं सीधा ऊपर आपको मतलब तो जो कि प्लेन चलाना कभी ज़्यादा टकवा दे तो आपको सीधा मैंने ऊपर ही दिखा दिया। यहाँ पर आप देख जाएंगे कौन सी गाड़ी मिलती हो भाई साहब, यहाँ पर तो फिर से मुझे एक रॉकेट टाइप कार देखने को मिल रही है भाई साहब। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका खूबी है, मतलब ये इस तरह उड़ती है भाई साहब। यहाँ से मैं एक जंप लूँगा लेकिन वेट करो भाई साहब, इसका जंप आपका भाई यहाँ से लेगा, देखो भाई साहब मज़ा ही आ गया भाई साहब। यहाँ पर तो मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम में कर जाएगी। यहाँ पर फिर से मैं जंप करने की कोशिश करूँगा, मतलब जंप ही हो रहा है फिलहाल तो, लेकिन यहाँ पर ये अनकंट्रोल हो गई भाई साहब, आपके भाई से ये अनकंट्रोल हो गई। लेकिन फाइनली फिर से मैंने कंट्रोल कर लिया, क्या यहाँ पर ये गिर जाएगी, यहाँ पर ये गिर भी गई भाई साहब, मैंने कहा गिर जाएगी लेकिन यहाँ पर गिर गई। बाकी यार अगर अभी तक आप लोगों सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, बेल आइकन को भी आल पे दबा देना क्योंकि आपका भाई इस तरह के रैम चेंज रहता रहता है भाई साहब। यहाँ पर इस गाड़ी का जंप देखो यार, इसका तो मैं फ़ैन हो गया, मतलब इस गाड़ी का तो मैं फ़ैन हो गया। यहाँ पर ये अटक भी गई भाई साहब, थोड़ी तारीफ़ किया कि यहाँ पर गाड़ी अटक गई भाई साहब, आप देख सकते हैं मैंने इस गाड़ी की थोड़ी सी तारीफ़ की, यहाँ पर फिर से वो गाड़ी भी अटक गई। लेकिन कोई बात नहीं, तारीफ़ के लायक भी है गाड़ी, आप देख सकते हैं क्या फंक्शन इस गाड़ी में डाले भाई साहब। ये मोड तो मुझे काफ़ी पसंद आया, मतलब ये जो ऊपर उड़ती है ना गाड़ी तो मज़ा आ जाता है भाई साहब। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर गाड़ी फंसती है वहाँ पर ऊपर उड़ा लो तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। लेकिन फाइनली जैसे तैसे करके आपके भाई ने इसको नीचे ला दिया, मतलब ट्रैक पे सीधा आपके भाई ने इसको मतलब चेक पॉइंट तक ले आया। मैं यहाँ पर मैं आपको मिलता हूँ जल्दी से जल्दी ऊपर क्योंकि प्लेन चलाना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है भाई साहब। तो यहाँ पर फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ चेक पॉइंट के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो यहाँ पर मैंने चेक पॉइंट ले लिया और यहाँ पर ये गाड़ी मुझे मिल चुकी है जो कि मिस्टर बिन कार मुझे लग रही है। तो इसको मैं दूंगा यार फुल रेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल रेस्ट तो आपके भाई ने दे दी गई है, मतलब फुल रेस्ट अभी तक नहीं दी लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा फुल रेस्ट दूंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाएगी और ये नीचे गिर जाएगी। बाकी यार आप लोग को रैम चैलेंजेस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में बताना, मैं पार्कोर रेसेस भी अपलोड करता हूँ, रैम चैलेंज भी अपलोड करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यार। बाकी यार आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन टोक दो यार। बाकी मुझे लगता है मैं कहता हूँ कि एक पार्कोर अपलोड करो, एक मैं गरम चैलेंज अपलोड करूँ, आप लोग क्या कहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। लेकिन यार जब मुझे मेरे साथ पार्कोर होगा तो मैं पार्कोर अपलोड करूँगा, जब मैं गरम चैलेंज होगा तो मैं गरम चैलेंज आएगा भाई साहब। तो मैं गरम चैलेंज पर यह बात है कि मेरे शॉर्ट बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, मतलब मैं यूट्यूब शॉर्ट भी निकाल लेता हूँ, उससे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। बाकी अगर इसकी कंट्रोल की बात की जाए, ओ भाई साहब कंट्रोल की बात की, गाड़ी यहाँ से गिर भी गई। लेकिन यहाँ पर यार इसके कंट्रोल तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है इस मिस्टर बिन कार के, जो कि यार आप खुद ही देख सकते हो कि फ़िलहाल तक तो ये कंट्रोल नहीं हो पा रही, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगलिंग के बाद भी यहाँ पर ये कंट्रोल नहीं हो रही। और भाई साहब यहाँ पर फाइनल आपके भाई इसको हैंडल कर लिया, लेकिन इसने एक जंप इस तरह जंप नहीं मारा जिसने मुझे खुश कर दिया हो, मतलब कोई इस तरह जंप नहीं मारा इस गाड़ी ने मुझे खुश कर दिया हो भाई साहब। इस गाड़ी ने भी काफ़ी ज़्यादा जलील किया था, लेकिन फाइनली आपके भाई ने इसको यहाँ तक पहुँचा ही लिया भाई साहब। इसमें मतलब मैं आपको बताऊँ ना तो ये मतलब 15-16 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन इसमें आपके भाई ने एडिटिंग की है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने कट कर दिया क्योंकि यार बहुत ज़्यादा फिर आप लोग बोर हो जाते। एक गाड़ी को मैंने 2-3 बार यहाँ पर चलाया है, लेकिन फाइनली यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है बाइक जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट होने वाली है भाई साहब। बाइक ने तो मेरा दिल ही जीत लिया, मतलब फर्स्ट टाइम में आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक जंप इसने लगा लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब OP यहाँ पर ये परफॉर्म कर पा रही, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पा रही है भाई साहब। आप देख सकते हैं कि बाइक ने तो मेरा दिल खुश कर दिया, इस बाइक का तो मैं फ़ैन हो गया भाई साहब। इसने एक बार में कम्प्लीट कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यार अगर इस तरह और भी गाड़ी कम्प्लीट कर ली थी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा यहाँ पर हमें आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं यार, आपके भाई ने मतलब सीधा यहाँ पर कमेरो पे स्विच किया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर में हमारे पास कमेरो अवेलेबल हो चुकी है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी जरा जंप इसने मारी। अब देखते हैं कि एक कमेरो किस तरह परफॉर्म कर पाती है इस मेगा रैम चैलेंज में भाई साहब। फिलहाल अगर इसकी हैंडलिंग की बात की जाए ना तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये हैंडलिंग हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कूल लुकिंग गाड़ी भी है। लेकिन जैसी इसकी
तारीफ की भाई साहब यहाँ पर तो ये ख़त्म ही होगी भाई साहब, मुझे लगता है इसकी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए यार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी को मतलब नज़र लग गया मेरा, आई थिंक सो ये अभी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाई मतलब इसको मतलब थोड़ा सा रोक के इसको हैंडल करेगा और जल्दी से मैं उसको मतलब नीचे पहुंचा दूंगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा रैम बाकी है, तो मैं मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम में इंशाल्लाह कर देगी। बाकी फर्स्ट में तो ये काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म कर पा रही थी, लेकिन यार जब जैसे बीच में आई ये थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो गई, लेकिन फाइनली यहाँ पर इसने कम्प्लीट कर लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास और कौन सी कार यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होती है। भाई साहब कैमरों ने तो मेरा दिल जीत लिया, भाई साहब कैमरों भी अच्छी थी, वो बाइक पर अच्छा था, तो मज़ा ही आ गया भाई साहब। देखते हैं कौन सा कार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। भाई साहब आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मिल चुका है एक मतलब रॉकेट कार, जो कि येलो कलर में हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से रॉकेट आपके बने दे दी गई है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर रॉकेट दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह इसने परफॉर्म किया है। यहाँ पर अब देखते हैं कि फिर से मैं रॉकेट यहाँ पर दे पाता हूँ कि नहीं, लेकिन फाइनली यहाँ पर ये फिर से मतलब अनकंट्रोल हो चुकी है। लेकिन एक बार रॉकेट बनने दो भाई साहब, आप इसको मतलब चेक कर लोगे, मैं इसको रॉकेट दूंगा भाई साहब। यहाँ पर हम फिर से दबाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि रॉकेट बनने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन फाइनली रॉकेट बन चुका है आपके बने। यहाँ पर इसका रॉकेट का बटन दबाइए और फाइनली यार इसने फर्स्ट टाइम ही आई थिंक सो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। भाई साहब ये रॉकेट कार तो काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी यार, आखिर में इस तरह की कार आ रही है कि मैं बता ही नहीं सकता। यहाँ पर आपकी बनी फिर से रॉकेट दबाया और फिर से मतलब आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, आपका भाई इस तरह की धमाकेदार गेम प्ले अपलोड करता रहता है। बाकी यार अगर आप लोगों को मेरे साथ प्ले करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से वहाँ से मेरा क्रू ज्वाइन करो GTA 5 का और मेरे साथ आके प्ले करो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर दूसरी गाड़ी की बात की जाए तो यार ये वन ऑफ द फेवरेट कार है मेरी यार, पार्क और रेसेस में मतलब वैसी रेसेस में GTA 5 में काफ़ी ज़्यादा अच्छी भागती है। क्रिगर नाम है इसका अगर आप लोग जानते हो तो, ये गाड़ी GTA 5 में इसका नाम है क्रिगर। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म कर पा रही है, यहाँ पर येलो कलर में हमारे पास अवेलेबल है भाई साहब। फिलहाल तक तो ये अच्छी परफॉर्म कर पा रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम इसको फेस करनी पड़ रही है, लेकिन फाइनली यहाँ पर इसने करके दिखाया भाई साहब। आप लोग को गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। बाकी यार इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, दुआ में रखना। और यहाँ पर आप लोगों को अगर अभी तक मतलब आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन करके आ जाओ, साथ में प्ले करेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, दुआ में रखना। अल्लाह हाफिज़।